संविधान दिवस पदयात्रा को लेकर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि 26 नवंबर को शौर्य स्मारक से शाम 4 बजे संविधान दिवस पदयात्रा निकाली जाएगी, जो अंबेडकर प्रतिमा से होते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। यात्रा में मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा। संविधान दिवस पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों युवा शामिल होंगे। करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ही सरकार का संचालन किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के प्रति जागरूकता और संविधान के प्रति कृतज्ञता का भी संकल्प लेकर सरकार चला रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो सर्वप्रथम संसद भवन में पहुंचे, तो उन्होंने विशेष रूप से संविधान के ग्रंथ पर शीश झुकाकर उसको प्रणाम करके ये संकल्प लिया कि उनकी सरकार संविधान का पालन करते हुए, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए इस देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय संविधान को धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही पालन करने के संकल्प के साथ सरकार चलाई है। कल 26 नवंबर इसी दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर बनकर तैयार 26 नवंबर को हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन हो रहा है। कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हम खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्वावधान में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा